मुंब्रा शील्ड में पहली बार आरके इंटरप्राइजेस आपके लिए लाया है टुडे ब्रांड 100% नेचुरल ऑयल, प्योर एंड हेल्दी, जो कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में तैयार किया जाता है। इसके अलावा ओरिजिनल मसाले, फ्रेश आटा, मल्टीग्रेन आटा, सब कुछ नेचुरल अफोर्डेबल प्राइस के साथ कस्टमर की डिमांड पर आंखों के सामने मशीन से निकाल कर दिया जाता है। आपका अपना टुडे ब्रांड, असली खाएं सेहतमंद रहें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ICICI बैंक में 12 करोड़ 20 लाख की चोरी करने के मामले में ठाणे अपराध शाखा के संपत्ति प्रकोष्ठ ने मुंब्रा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 5 करोड़ 80 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं, जबकि 10 लाख रुपए की संपत्ति का भी इनसे पता चला है। आपको बता दें, जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इनके नाम है इसरार अबरार हुसैन कुरैशी 33 साल और शमशाद अहमद रिजा अहमद खान 33 साल और अनुज गिरी 30 साल है, जबकि मुख्य आरोपी जो है वो अभी फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये घटना 9 जुलाई को हुई थी। डोंबिवली कस्बे के मानपाड़ा इलाके में ICICI बैंक के शाखा में चोरी की ये वारदात हुई थी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिली कि बैंक में जो चोरी हुई है उसमें चोरी करने वाले जो आरोपी हैं मुंब्रा के मित्तल ग्राउंड के पास ठाणे अपराध शाखा के संपत्ति प्रकोष्ठ ने यहां पर फील्डिंग लगाई और फील्डिंग के दौरान इसरार अबरार हुसैन कुरैशी वहां पर पहुंचा और इसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में इसने अनुज और शमशाद का भी नाम बताया और तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इनके पास से 12 करोड़ 20 लाख रुपए जो चोरी हुई थी उसमें से 5 करोड़ 80 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, 10 लाख रुपए की संपत्ति का भी पता चला है, जबकि मुख्य आरोपी जो है वो अभी फरार है। इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी दी गई है आपको सुना दें। 13/7/2022 को मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर हुआ था, उसमें उनके बैंक का एक कर्मचारी अल्ताफ के खिलाफ वो FIR था। टोटल उसने 34 करोड़ बैंक के वॉल्ट से निकल के बाहर फेंका था, वो उसने बैग में पैक भी किया था। उसमें से वो 12 करोड़ 20 लाख रुपया अकॉर्डिंग टू बैंक वो ले जा चुका है। उसमें से हमने 3 आरोपी को मुंब्रा से अरेस्ट किया है। एक का नाम इसरार हुसैन कुरैशी, दूसरा अहमद रियाज अहमद खान और अनुज प्रेमशंकर गिरी, इनको मैंने अरेस्ट किया है। इनके पास से 5 करोड़ 80 लाख रुपया हमने रिकवर किया है। ये गुना के लिए उन्होंने एक गाड़ी इस्तेमाल किया था, टाटा योद्धा, वो गाड़ी भी हमने सीज किया है।